Good morning student. Today we will discuss role of lymphatic system in transport. Lymphatic system ka role kya hota hai? Transportation of food material, nutrients in our body. Lymphatic system is mainly a large and a complex system of vessels, several nodes that are tissue, aggregates and certain organs. Lymphatic system कैसे बनी हुई है? ये एक बहुत बड़ी लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें आते हैं सेवरल नोड्स दैट आर टिश्यूज एग्रीगेट्स एंड सर्टन ऑर्गन. इट इज बिलीव्ड दैट द प्रेशर इन ब्लड वेसल कॉज सम प्लाज्मा टू ड्रेन आउट ऑफ ब्लड वेसल. ब्लड वेसल के बाहर क्या आता है? प्लाज्मा. दिस कंबाइन विद इंटरसेलुलर फ्लूइड. और ये जो प्लाज्मा है ये कंबाइन होता है इंटरसेलुलर फ्लूइड्स के साथ एंड दिस इज अ लिम्फ विच इज कलेक्टेड इनटू वेसल. और इसी को बोला जाता है लिम्फ जो कि वेसल में वेसल्स यानी कैपिलरीज या वेंस इसमें वो कलेक्ट होता है. दैट हेल्प टू रिटर्न द ड्रेन आउट फ्लूइड इनटू वेन. जो बाहर चला गया फ्लूइड है वो उसको वेन में वापस लाने का काम करते हैं. द फ्लो ऑफ लिम्फ इज मेंटेन बाय पेरिस्टालसिस एंड वॉल्स इन द वॉल्स ऑफ लिम्फ वेसल. इन्हें कैपिलरीज और वेन्स में जो भी वॉल्स रहेंगे या जिसमें ऑर्गन्स है इस लिम्फेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व वो क्या करेंगे? फ्लो ऑफ लिम्फ मेंटेन करते हैं. और वो प्रोसेस पेरिस्टालसिस दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब इन वन वीडियो व्हाट इज पेरिस्टालसिस. लिम्फ कंटेन सम प्रोटीन फैट्स ग्लूकोज साल्ट and cells called as lymphocytes which are specialized white blood cells. ye lymph mein aata kya kya hai? to protein fats glucose salt called as lymphocyte which are specialized white blood cell. Protection from infection, removal of toxic substances, repair of tissue are some functions of this system. इस lymphatic system के function क्या है? तो removal of toxic substance, infection से शरीर को बचाना and repair of tissues. Fats are mainly transported through lymph vessel. Lymph does not carry gases which are transported by blood. Lymph में कोई gases का transportation नहीं होता है. इसमें fat mainly transport होता है. और इसका function यदि आप देखोगे beside transportation as the name given, वो क्या करता है? हमें infection या toxic substance body में जो तैयार होते हैं उनको remove करने के लिए और tissues का repairing के लिए help करते हैं. नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर. ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज मीन बाय रेस्पिरेशन. वी फाइंड दैट ब्लड एंड लिम्फ कैरी न्यूट्रिएंट टू आवर सेल वेयर फूड इज ऑक्सीडाइज एंड एनर्जी इज रिलीज. हमने देखा कि ब्लड और लिम्फ क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को कैरी करते हैं टू आवर सेल एंड वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब होता है रिलीज ऑफ एनर्जी. और इस होल प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. दिस एनर्जी हेल्प्स अस टू रन ऑल लाइफ प्रोसेसेस. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर प्लांट्स और एनिमल्स दे रेस्पायर थ्रू आउट द डे. हम लोग पूरा दिन रात भी रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता रहता है. ये इनवॉलेंट्री एक्शन है. दिस रिक्वायर अ कॉन्स्टेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट. और उस रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? कॉन्स्टेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है इसके बीच में हमारी बॉडी और एनवायरमेंट के बीच में. देयर इज एन एलैबोरेट सिस्टम ऑफ वेसल स्टमेटा एंड अदर स्ट्रक्चर इन प्लांट वाइल देयर आर वेसल्स गिल्स और स्किन्स और लंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स इन एनिमल्स दैट फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज. अब एनिमल और प्लांट में गैसियस एक्सचेंज के लिए जो ऑर्गन्स यूज होते हैं वो अलग अलग है. जनरली प्लांट में जो ऑर्गन यूज होते हैं प्लांट ऑर्गन जिसको हम बोलेंगे या प्लांट के पार्ट वो है स्टोमेटा जो कि लीफ पे होते हैं. होल जैसा दिखता है आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो लीफ के बीच में जो छेदे छेदे आपको दिखते दैट नथिंग बट स्टोमेटा वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. और हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है. फिर गिल्स
फिश में देखोगे, फ्रॉग यदि देखोगे तो फ्रॉग में स्किन के थ्रू होता है। तो इस तरह से एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, दैट इज प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम नोज टू लंग दैट हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। हमारी बॉडी में लंग का पेयर होता है, वो कहाँ से कहाँ तक है, तो हमारे नाक से लेकर लंग्स तक एक बड़ा सा ट्यूब होता है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी ट्यूब, और वो हमें हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। द होल नेटवर्क बीइंग टर्म एज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और नोज से लेकर लंग्स तक का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तीन पार्ट आते हैं देखा जाए तो, पहला है आपका नोज, दूसरा है जो लंबा ट्यूब होता है रेस्पिरेटरी ट्यूब, और तीसरा है लंग्स। इसके अलावा बीच में बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, हम उसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। लंग्स आर स्पॉन्जी स्ट्रक्चर विद अ वास्ट ब्रांच नेटवर्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब। यदि हम लंग की बात करते हैं तो हमारे बॉडी में लंग का पेयर होता है, दो लंग्स होते हैं, और ये कैसा है, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है विद अ वास्ट ब्रांच नेटवर्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब, और उसमें बहुत सारे, यहाँ पे देखोगे आप तो बहुत सारे आपको क्या दिख रहे हैं, रेस्पिरेटरी ट्यूब्स। ये देखो आपको यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्यूब्स दिखेंगे सब। दीज आर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, और रेस्पिरेटरी ट्यूब नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है वहाँ पे, और वो लंग्स में है। लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा है, स्पॉन्जी। द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द ट्यूब्स हैव बंचेस ऑफ सेवरल एयर सैक, और ये जो एंड देखोगे इसका, इस रेस्पिरेटरी ट्यूब्स का, इतनी सारी रेस्पिरेटरी ट्यूब, तो उनकी एंड में क्या है, उनके एंड में